गाइस वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बुलेट मोटर की वाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यह स्टैम्पिंग है जो कि बुलेट मोटर की स्टैम्पिंग है। इसमें टोटल खाने 24 खाने दिए गए हैं और इसमें जो इसका इनर डायमीटर है दोस्तों यह कैलिपर कौन किया जीरो किया और इसका जो इनर डायमीटर है अंदर वाला भाग यह हमारा 50 mm के करीब यह हमारा इनर डायमीटर है और आउटर डायमीटर हमारा आप देख सकते हैं 89 mm में कन्वर्ट किया हुआ है। 89 mm के लगभग इसका आउटर डायमीटर है। और दोस्तों इसकी जो गोलाई और इसकी जो मोटाई है यानी कि कोल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की कोल लेंथ है हमारी 24 mm। इंचेस में कन्वर्ट करें तो 1 inch के करीब लगभग यह हमारी स्टैम्पिंग की मोटाई है। और दोस्तों इसमें जो गोलाई है हमारी अब देख सकते हैं 11.5 inch के करीब यह हमारी स्टैम्पिंग की गोलाई है। दोस्तों यह बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के बाद इसकी जो वाइंडिंग करेंगे हम कॉपर वाइंडिंग करेंगे, इस विथ एल्यूमिनियम वाइंडिंग नहीं करेंगे। दोस्तों इसमें कॉपर वाइंडिंग 35 नंबर कॉपर वायर यूज मिलेंगे और इसमें जो टर्न वगैरह होंगे सब आपको फुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ में आपको वीडियो को प्रैक्टिकली बता दे जाएंगे और दोस्तों वाइंडिंग डाटा है जो कि आपको बता दे जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो खाने और बल्कि जो लेंथ थी यह सब कंप्लीट जानने के बाद दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर की बात करें कैपेसिटर हमारा 2.5 mT और 3.15 mT तक का कैपेसिटर इसमें यूज में ले सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के बाद दोस्तों क्वाइल लेंथ जो कि मैंने क्वाइल है इसकी जो वाइंडिंग यूज में करने वाले हैं इसकी जो 35 नंबर कॉपर वाइंडिंग से इसकी जो क्वाइल लेंथ हमने कंप्लीट बना चुकी हैं। इसमें टोटल क्वाइल 4 क्वाइल यूज में होंगी, दो सेट होंगे। इसमें रनिंग सेट के 2 क्वाल होंगे और स्टार्टिंग सेट की 2 क्वाल होंगी। पिच हमारी 8, 10, 12 पिच रहेगी और इसमें जो टर्न होंगे हमारी रनिंग वार्निंग में टर्न होंगे 35 नंबर कॉपर वायर से 330 टर्न डाले हुए हैं। इसकी जो गोलाई लेंथ है 29 इंच गोलाई में कॉइल की लेंथ है। इसी तरह से स्टार्टिंग वार्निंग में 35 नंबर कॉपर वायर से 300 टर्न डाले हुए हैं। जो कॉइल लेंथ है हमारी 28 इंच के करीब इसकी कॉइल लेंथ डाली हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो वाइंडिंग है स्टार्ट करते हैं, आपको प्रैक्टिकली वाइंडिंग करके बताएंगे किस तरह से हमारी कनेक्शन होगी, किस तरह से वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कॉइल को तो दोस्तों वाइंडिंग है जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग की किसी भी कॉइल को लेते हैं और यह है हमारा इनर वायर है और दोस्तों तो यह पहली कॉइल का आउटर वायर है जो कि हमारी दूसरी कॉइल के साथ ज्वाइंट वायर है। इसके साथ साथ ही में कनेक्शन करेंगे, ज्वाइंट काटेंगे नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इनर वायर है इसे हम राइट हैंड साइड की ओर करेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर आउटर वायर रहेगा इसकी पिच है जो कि 8, 10, 12 रहेगी। सबसे पहले कॉइल को इस तरह से पतला करके अंदर साइड की ओर बिल्कुल पूरा एक साइड की ओर बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद पहले किसी भी एक स्लॉट में इंस्टॉल कर देते हैं, पहले किसी भी एक स्लॉट में इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर 7 नंबर PVC पेपर इसमें यूज में लेंगे जो कि कैप के रूप में लगाएंगे जो हमारा वायर है बाहर न आने के लिए। इसी तरह से हम बीच में 6 स्लॉट छोड़ेंगे और ऊपर साइड की ओर 8वें स्लॉट में डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 3-6 स्लॉट हमारे बीच में डले हुए हैं, 1 से 8 में हमारी पिच में पहली कॉइल है जो कि रनिंग वार्निंग की डल चुकी है जो कि हमारा रनिंग वार्निंग की पहला इनर वायर है। इसे राइट हैंड साइड की ओर रखेंगे, आउटर वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखेंगे। इस तरह से बची हुई कॉइल को रिंग टाइप में फोल्ड करते जाएंगे और उसके जस्ट ऊपर वाली 1 से 10 वाली स्लॉट में डालेंगे। इस तरह से फटाफट है जो कि दोस्तों रनिंग वार्निंग की पहली कॉइल को इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। और साथ में दोस्तों सेप देते जाएंगे अच्छी तरह से और वहां की बची हुई कॉइल को हम रिंग टाइप में फोल्ड करेंगे इस तरह से और 1 से 12 में डाल देंगे तो हमारी जो पहली वाइंडिंग है कंप्लीट हो जाएगी। पहली कॉइल है दोस्तों जो हमारी इंस्टॉल कंप्लीटली हो जाएगी।
तो दोस्तों हमारी रनिंग वार्निंग की पहली क्वाल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों। दोनों साइड से थोड़ा प्रेस कर दें, इस कारण से हमारी क्वाल है स्टार्टिंग क्वाल आसानी से इंस्टॉल हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इनर वायर है या आउटर वायर है। तो दोस्तों इसे इस तरह से कनेक्शन करेंगे कि 1 से 3 में कनेक्शन हमारा आपस में ज्वाइंट हो जाए, आमने सामने कनेक्शन होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वाल हमारी, यह आउटर वायर है और यही हमारा दूसरी क्वाल का आउटर वायर है, इसे हमें इनर वायर बोलेंगे जो कि दूसरी क्वाल का इनर वायर है। इसे आपस में ज्वाइंट करेंगे तो क्वाल को इस तरह से अंदर की ओर डालेंगे, क्वाल को थोड़ा पतला करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी दोस्तों। फुल निकालने के बाद ऊपर साइड की ओर 2 स्लॉट छोड़ेंगे, नीचे साइड की ओर 6 स्लॉट छोड़ेंगे। इस तरह से दोस्तों सेब इस तरह से देंगे कि हमारी जो रनिंग वार्निंग का वायर है जो हमारे 6 स्लॉट बीच में बची हुई इसके नीचे से इस तरह से जाए, इस कारण से हमारा स्टार्टिंग वार्निंग का वायर आपस में इसी तरह से इंस्टॉल हो जाता है। और बाकी बची हुई वायर को आप इस तरह से ले आएंगे अंदर साइड की ओर और उसी में जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में 1 से 10 जो पिच होगी हमारी उसमें डालेंगे। और 7 नंबर पीवीसी पेपर है साथ में लगाते जाएंगे जिसके कारण हमारा वायर है जो कि बाहर नहीं आएगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और सेब साथ में देते जाएंगे। देख सकते हैं हमारी रनिंग वार्निंग की दूसरी क्वाल है 1 से 10 पिच में इंस्टॉल हो चुकी है। 1 से 12 में हमारी जो बाकी बची हुई क्वाल को इस तरह से लिंक टाइप में फोल्ड करेंगे, बाकी बची हुई क्वाल को हम 1 से 10 वाले में, सॉरी 1 से 12 वाले में इंस्टॉल कर देंगे। यह कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इसके बीच में हम कॉटन टेप यूज में लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दोनों साइड से है जो कि रनिंग वार्निंग है आपस में, यह 1 से 3 कनेक्शन ये हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा यह इनर वायर निकला, यह आउटर वायर 1 2 3 इस तरह से हमारा आउटर आउटर आमने सामने, इनर इनर आमने सामने इस तरह से होंगे। वार्निंग डाटा दोस्तों आपको कंप्लीट वार्निंग डाटा डिस्क्रिप्शन में कॉपर वार्निंग में मिल जाएगा और साथ में आपको प्रैक्टिकली बताते जा रहे हैं। इस तरह से हम डॉक्टर टेप यूज में लेंगे जो कि हम स्टार्टिंग रनिंग वार्निंग के जस्ट भीतर वाले सिरे में लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों फटाफट है इसमें जल्दी से पूरे स्लॉट में लगा देते हैं। दोस्तों डॉक्टर टेप यूज करने के बाद दोस्तों इसमें हम स्टार्टिंग वार्निंग यूज में करेंगे, जिस तरह से हमने पहली रनिंग वार्निंग स्टार्ट की थी सेम उस तरीके से हमसे स्टार्टिंग वार्निंग भी सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। यह देख सकते हैं हमारी पहली क्वाल है या दूसरी क्वाल है, तो पहली क्वाल को हम इस तरह से रखेंगे तो हमारी जो इनर वायर आएगा इस स्लॉट में आएगा और इस स्लॉट में आएगा स्टार्टिंग वार्निंग का, तो 1 से 8 में हमारी एफ एच रहेगी सेम, तो फटाफट इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग वार्निंग है जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वार्निंग की पहली कॉल को लेते हैं, डाटा सेम रहेगा, सॉरी डाटा चेंज रहेगा, टर्न चेंज रहेंगे हमारे, इसमें टर्न हमारे 300 टर्न आएंगे, 35 नंबर कॉपर वायर से 28 क्वाइल लेंथ होगी, 28 इंच जो कि हमारी कॉलाई में क्वाइल लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। तो जो सेम तरीके से प्रोसेस रहेगी, इसे हम पहले बाहर साइड को निकाल देंगे,
इस तरह से निकालने के बाद, और इसे इनर वायर है जो कि हमारा राइट हैंड साइड की ओर रहेगा। पहले हम 1 से 8 में यानी कि जो हमारी रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो पेपर लगाया हुआ डॉक्टर टेप, यह हमारे शॉर्ट सर्किट को बचाएगा, यानी कि हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं आए। जो स्लॉट हमारे रनिंग वाइंडिंग की स्लॉट के जस्ट ऊपर वाला खाली था, उसी में हम 1 से 8 में डालेंगे। बीच में हमारे रनिंग वाइंडिंग में जो 6 स्लॉट भरे हुए हैं वे हमारे छूट जाएंगे, यानी कि 1 से 8 में हमारी स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं, यह वाला स्लॉट हमारा खाली हुआ है, तो इस वाले स्लॉट में डालेंगे 1 से 8, इस वाले में 1 से 10, इस वाले में 1 से 12, इस तरह से। अब ये कलाया मिलवा दे, अब कोई मिल दूर है या ढकाने लगे ना कितने बूढ़े बता दे यार। कॉल कहाँ है? कॉल